पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का तूफानी सौ आया, एशिया कप से पहले बाबर की धुआंधार पारी ने टीम इंडिया को डराया। तो जी आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, जहां पर बाबर आजम ने कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 59 गेंदों पर 104 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए। और बाबर आजम की इस धमाकेदार पारी की बदौलत कोलंबो स्ट्राइकर्स ने गोल टाइटंस को हरा दिया। आज बड़ी अपडेट यही है भाई, लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम ने एक जबरदस्त शतक जड़ दिया है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों की वहां पर परफॉर्मेंस होगी। जाते जाते नवाज ही स्टोल द शो और जबरदस्त फिनिश करा छक्का और चौका मारकर। लेकिन भाई जितनी तारीफ की जाए बाबर आजम की इस पारी की उतनी कम है। क्रिटिसिज्म होता है कि T20 गेम आपका वो नहीं है, आप हल्का गेम खेलते हो, स्टार्ट पैडिंग कभी कभार करते हो, लेकिन अगेन बाबर आजम ने आज वही करके दिखाया जो उन्होंने पहले भी कर रखा है कि ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 180-90 स्ट्राइक रेट वाले ऑपरेट करना एक डिफिकल्ट चीज हो सकता था, क्योंकि आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी वहां पर। लेकिन इवेंचुअली जो फिनिश कराया वहां पर नवाज ने, एक जबरदस्ती मुकाबला वहां पर बना दिया। जिम्बाब्वे स्टैट पैडर न जाने क्या क्या ऐसे नाम दिए गए हैं बाबर आजम को भारत की मीडिया की तरफ से। और बाबर आजम है कि वो अपने मुंह से आज तक ना तो पाकिस्तान के किसी सहाफी को जवाब देता नजर आया और ना ही भारत के किसी सहाफी को। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता अपने बल्ले से इन सब लोगों की बोलती बंद की और वो लोग जो बाबर पर तनकीद करते थे खुद ही बाबर की तारीफ पर मजबूर हुए। और आज वही सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि बाबर आजम ने लंकन प्रीमियर लीग के 10वें मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर कर दी है। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं और उनकी इसी सेंचुरी की बदौलत उनकी टीम ने 188 का एक बड़ा टोटल अबूर किया। और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर बकवास करने वाले लोगों को भी ये मुंह तोड़ तमांचा था, क्योंकि 59 बालों पर 104 रन बनाए 176.27 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 5 छक्के और 8 चौके शामिल हैं। अब चूंकि हमारे पड़ोस में बाबर आजम के क्रिटिक्स तो बेशुमार हैं, लेकिन बाबर आजम अपने बल्ले से जब जवाब देते हैं तो सबसे ज्यादा शोर भी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में उठता है। और अहम बात यह है कि आगे चल के आने वाला एशिया कप भी इसी कंडीशन इन्हीं ग्राउंड पर खेला जाना है, इसलिए ये तकलीफ मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान का मुकाबला इसी सरजमीन पर यानी श्रीलंका के इन्हीं ग्राउंड्स पर इन्हीं कंडीशंस पर करना है। और पाकिस्तान के एशिया कप स्क्वाड के मोस्टली प्लेयर तो आपको इस वक्त श्रीलंका में लीग क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, जिससे पाकिस्तान बखूबी कंडीशन से वाकिफ भी होगा। और फिर जो भारत के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम करेगी वो रहती दुनिया तक याद भी रखा जाएगा। लेकिन इस सारे मामले पर, इस बाबर आजम की शानदार सेंचुरी पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कह सकते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि वो बाबर आजम जिनकी स्ट्राइक रेट के ऊपर हमेशा से सवाल उठाए जाते थे कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट उतनी खास नहीं है, T20 में स्ट्राइक रेट के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क्स थे, आज बाबर आजम ने सभी के उन क्वेश्चंस को आंसर दे दिया है, सभी के उन सवालों को उत्तर दे दिया है, करारा तमाचा लगाया है उन सभी कहने वालों के लिए, क्योंकि बाबर आजम ने आज एक शतक लगाया है। 104 रन की वो पारी थी, ऑलमोस्ट 200 का वो स्ट्राइक रेट, और बाबर आजम के उसी तूफानी शतक के चलते जो है स्ट्राइकर्स की टीम को जीत मिली है। आप यहां पर देखें अभिप्राय कैसा है कि एक पाकिस्तानी ने शतक लगा के मुकाबला आपके लिए जीत की दहलीज तक पहुंचाया, तो उसके बाद दूसरे उनके पाकिस्तानी भाई मोहम्मद नवाज ने छक्का और चौका लगाकर मुकाबला खत्म किया है। गोल टाइटंस को जो है वो यहां पर इस बड़े मुकाबले में शिकस्त दी है, हार थमाई है। ये आकाश आपको कहीं ना कहीं साफ साफ बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जिसे मैं कह रहा कि भाई पूरी तरह से तैयार है, रेडी है, ये आपको पूरी तरह से भाई पूरी ताकत के साथ तैयार भी नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो उसकी बराबरी कर ली है 10 सेंचुरीज ऑल ओवर T20 में लगाने की। अगर आज आप बाबर आजम की पारी को पूरी डिटेल में देखें तो जी 59 बॉल्स 104 रन 8 चौके 5 छक्के, कहीं पर भी नहीं लगा कि आज बाबर आजम उस आउट ऑफ टच में नजर आ रहे थे। लंका प्रीमियर लीग में हाईएस्ट रन स्कोरर है बाबर आजम, और इसके अंदर बड़ी बात यह है ये मुकाबला जो है आप देखें तो पाले किले में खेला जा रहा है, श्रीलंका में ये मैदान है, और मोस्ट लाइकली इन्हीं कंडीशंस में जो मुकाबले हैं उसी कंडीशंस के अंदर आपके लिए एशिया कप 2023 भी खेला जाएगा। भला वो मोहम्मद नवाज के यहाँ पर छक्के चौके हो, जिसने आपको जब 3 गेंदों में 10 रन चाहिए थे, पहले छक्का लगाते हैं नवाज फिर वो चौका लगाते हैं, उससे पहले बाबर आजम के यहाँ पर सेंचुरी हो, एक ऑलराउंड जो डोमिनेंस है आकाश वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्लेयर्स ने कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम में खासकर बनाई है, क्योंकि पहले मुकाबले में बाबर ने खास सेंचुरी लगाई, पिछले मुकाबले में ऑलमोस्ट 41 रन बनाए, अभी बाबर आजम ने एक शतक लगा दिया जो लगातार बता रहा है
कि भाई T20 में अगर इस प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट के ऊपर जो सवाल उठाए जाते थे कहीं ना कहीं T20 में क्वेश्चन मार्क में बाबर आजम आते थे, तो आज बाबर आजम ने आपके लिए ये रन बनाकर कहीं ना कहीं बता दिया कि वनडे क्रिकेट के लिए वो भी यहां से पूरी तरह से तैयार आपको नजर आ रहे हैं। और ये टीम इंडिया के लिए साफ साफ जैसे आप कह सकते हैं खुली चेतावनी है, खुली वार्निंग है, क्योंकि इधर हमारे प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के सामने रन नहीं बन रहे, उधर उनका मोहम्मद नवाज छक्के चौके लगा के मैच खत्म कर रहा है, मैच जितवा रहा है। ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि भाई यू हैव टू बी वरिड अगर आप टीम इंडिया के समय फैंस हैं। लेकिन फिलहाल बात बाबर आजम की, विकास हमने ज्यादातर देखा कि इंटेंट शुरुआत में धीमा रहता है फिर तेज करते हैं, लेकिन आज पहली गेंद से जब से शुरू कर रहे थे तभी से एक बहुत तेज और एक आक्रामक इंटेंट हमें बाबर की तरफ से देखने। आज बड़ी अपडेट यही है भाई, लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम ने एक जबरदस्त शतक जड़ दिया है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों की वहां पर परफॉर्मेंस होगी। जाते जाते नवाज ही स्टोल द शो और जबरदस्त फिनिश करा छक्का और चौका मारकर, लेकिन भाई जितनी तारीफ की जाए बाबर आजम की इस पारी की उतनी कम है। क्रिटिसिज्म होता है कि T20 गेम आपका वो नहीं है, आप हल्का गेम खेलते हो, स्टार्ट पैडिंग कभी कभार करते हो, लेकिन अगेन बाबर आजम ने आज वही करके दिखाया जो उन्होंने पहले भी कर रखा है कि ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि 180-90 स्ट्राइक रेट वाले ऑपरेट करना एक डिफिकल्ट चीज हो सकता था क्योंकि आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी वहां पर, लेकिन इवेंचुअली जो फिनिश कराया वहां पर नवाज ने एक जबरदस्ती मुकाबला वहां पर बना दिया। लेकिन ये कंटेक्स्ट इस वजह से है कि भाई श्रीलंका नेपाली के लिए में मुकाबला खेला जा रहा था ये, अब आपने एशिया कप भी यही खेलना है सिमिलर इन्हीं कंडीशंस में, आपने भाई सबकॉन्टिनेंट कंडीशन आपने वर्ल्ड कप खेलने आना है, तो उससे पहले बाबर आजम की अगर ये फॉर्म लगी हुई है तो भाई ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है बाकी टीमों के लिए। स्पेशली हम इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हमें खेलने भाई मेजोरिटी मैचेस, तीन गेम्स ये खेलने हैं आपने, तीन गेम्स अब आपने एशिया कप मोस्ट लाइकली अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता है वहां पर एंड देन आपको वर्ल्ड कप खेलना है, तो इन सभी मैचेस के लिए आप कहोगे कि भाई सबसे की प्लेयर पाकिस्तान का बाबर आजम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स आज उन्होंने धनंजय को स्लॉग स्वीप स्पिनर्स को जिस तरीके से वहां पर उन्होंने काउंटर करा, शमसी की जिस तरीके से पिटाई करी, जिस तरीके से आप गेम कंट्रोल की बात करते हैं, गेम जैसे हमने पहले गेम की जब बात करी थी जब इन्होंने 52 पे 59 करे थे तब भी हमने बात करी थी कि भाई आपको गेम रीड करना आना चाहिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का तूफानी 100 आया एशिया कप से पहले, बाबर की धुआंधार पारी ने टीम इंडिया को डराया। तो जी आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, जहां पर बाबर आजम ने कोलंबो स्ट्राइकर्स की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 59 गेंदों पर 104 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए और बाबर आजम की इस धमाकेदार पारी की बदौलत कोलंबो स्ट्राइकर्स ने गोल टाइटंस को हरा दिया 7 विकेट से। अगर हम बात करें इस मैच के जीत के हीरो के तो पूरी तरह से बाबर आजम ने पूरी कमान संभाली अपनी टीम की और अंत तक वो टिके रहे। आखिरी ओवर में आउट जरूर हो गए लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी टीम का जो रोड मैप था वो तैयार कर दिया था और बाबर आजम एशिया कप से पहले बड़े ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और श्रीलंका में ही खेल रहे हैं जो इंडियन टीम के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। अगर हम बात करें गोल टाइटंस ने इस मैच में 188 रन बनाए थे और कोलंबो के सामने 189 का टारगेट था और कोलंबो को इस टारगेट को हासिल करने में मैं आपको बताऊं कि एक गेंद शेष रहते यानी कि एक गेंद ही बची हुई थी और उससे पहले आखिर में मोहम्मद नवाज की जो तूफानी बैटिंग थी उसने जीत दिलाई आपको ये कोलंबो स्ट्राइकर्स को। आखिरी की अगर बात करें आखिरी तीन गेंदों पर जीत के लिए कोलंबो स्ट्राइकर्स को चाहिए थे 10 रन, चौथी बॉल पे ओवर के मोहम्मद नवाज ने छक्का जड़ा और पांचवी गेंद पर चौका जड़ के कोलंबो स्ट्राइकर्स को जीत दिला दी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप पर आ गए हैं, जो एशिया कप से पहले चाहे वो इंडियन टीम हो बांग्लादेश हो इन सभी के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि बाबर आजम लगातार लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, वो किसी विदेशी लीग में खेलने के लिए सिर्फ इसीलिए गए क्योंकि वो